हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख हवाई अड्डों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप, दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह जो हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, दिया गया है कि हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के रखा गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रखा था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, दिया गया है कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को डैश का नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जो हवाई अड्डे हैं वो राजनीतिज्ञों के नाम पर हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इसी प्रकार से आप देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा वो कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार से भारत के अधिकांश हवाई अड्डों का नाम राजनीतिज्ञों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, दिया गया है कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर ये रखा गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा राज्य जल्द ही भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने वाला है। एक बार हम देखते हैं कि वो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये तो लखनऊ में है ही, और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो कि बन रहा है अयोध्या में, और देखिए आप 4th नंबर पे कुशीनगर एयरपोर्ट, ये भी कुशीनगर में जल्दी ही बनने वाला है, और देखिए आप 5th नंबर पॉइंट में नोएडा एयरपोर्ट जो कि जेवर में बनेगा, 2023 तक ये चालू हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, दिया गया है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और साथ ही साथ सबसे ज्यादा बिजी हवाई अड्डा भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, दिया गया है कि बेलगाम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है बेलगाम हवाई अड्डा। तो आगे बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड जो कि केरल राज्य में स्थित है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विमानपत्तन बन गया है। यहाँ पे इस इमेज में आप कोची एयरपोर्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में सोलर पैनल लगाए गए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, दिया गया है कि शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है शिरडी, और यहीं पर ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु का, ये भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है, और सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप, दिया गया है कि दाबोलीमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य में स्थित है दाबोलीमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, दिया गया है कि राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के अमृतसर में स्थित है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे आप देखिए कि जो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसी को ही राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप, दिया गया है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप, दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे आप देखिए कि लखनऊ में मैंने अभी आपको बताया था कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, अयोध्या में बनाया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और नोएडा एयरपोर्ट जो है वो जेवर में बनाया जा रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आपको बताना है कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप, दिया गया है कि देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप, दिया गया है कि गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसी को ही राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। अभी मैंने आपको ये बताया था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप, दिया गया है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप, दिया गया है कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें दिया गया है कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।